Hey guys and welcome back to the Pokemon Hey guys यार कह सकते हो कि टायरानीटर की थोड़ी सी चॉइस थी, बट मैंने यहाँ पे अपनी टीम के हिसाब से जो है वो मैंने अपनी लास्ट टीम मेंबर को ऐड किया है। होप सो कि आप लोगों को जो मेरा डिसीजन है वो पसंद आया होगा। तो आज ना मैं यहाँ जाने वाला हूँ दोस्तों पीठ को बचाने के लिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यहाँ पे हम लोगों ने कायो के साथ बैटल किया था, तो तभी जो है गाइजर यहाँ पर उसने कहा था कि पीठ खतरे में है। तो आज ना मैं गाइजर पीठ को ही बचाने के लिए जाने वाला हूँ। देखते हैं यार यहाँ पर अभी पीठ यहाँ पर सही सलामत है या फिर नहीं, वरना फिर हमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इन दी प्लेन फील्ड। यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे बैटल्स होने ही वाले हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये भी बैटल स्किप हो सकता है क्या अगर देखा जाए तो? अरे यार स्किप कर दिया, बट ये ऊपर वाला मुझे करना पड़ा। बट कोई बात नहीं गाइज, यार मैं क्या करूँगा ना, जब हमें एक अच्छा मौका मिलेगा ना तो मैं क्या करूँगा ना गाइज, ये सारे के सारे बैटल्स जो है वो कंप्लीट करके ही आ जाऊँगा। अभी जो है वो थोड़े से मिस कर रहा हूँ ये बैटल्स। ओह हाय पीट, यहाँ पर ही मिल गया मुझे ये पीट। नहीं मैं ठीक हूँ, शुक्रिया ध्रुव। बट तुम्हें हो क्या गया था? और डारोगिस तुम्हें कंट्रोल कैसे कर रहा था? मुझे नहीं पता, मैंने ये रूबी फाइंड किया था अंडरग्राउंड सिटी में से। ओके और फिर मेरे डैड को उसके काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही थी उसके बारे में, सो मैंने डिसाइड किया कि उसे ले जाओ और एग्जामिन करूँ। सो उन्हें दिखाने के लिए कि मैं भी कितना मददगार हो सकता हूँ, एज वेल एज कि पता चले कि ये क्या है। बट मैं जब अनुजामिन सिटी के लाइव में चले गया तो एक लड़का आया लाल काले स्पाइकी हेयर के साथ, और उसने मेरी तरफ आके उसे रूबी छीन लिया, और उसने मुझे सडनली टच किया मेरे सिर पे ऊपर, और कुछ सब कुछ अब ब्लैकआउट हो गया। ओके तो मैं जा रहा हूँ अनुजामिन सिटी के लिए। पीट तुम जाओ। नहीं नहीं पीट, तुम अभी हमारे साथ चलोगे और डारोगिस को हराओगे। यस सच में? यस, अब मैं तुम्हें कोई किसी भी बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करने वाला हूँ। तुम, मैं, सिडनी, जैक, ड्रे और फ्लोरिना, हम सब मिलके हराएंगे डारोगिस को। यस, मुझे उन सबको बारे में तो मैं नहीं जानता, बट श्योर मैं मदद करूँगा। ऑसम, तो मैं अभी जा रहा हूँ आगे की तरफ। मैं तुम्हें अपनी जर्नी में अलोंग द साइड मिल जाऊँगा, मुझे निराश मत करना। ओके सो यहाँ पर हमारी जर्नी कंटिन्यू हो चुकी है, बट ये थोड़ा सा गाइज़र ग्लिच है अगर मैं शॉर्टली कहूँ तो। एंड यहाँ से मैंने सारे के सारे बैटल्स भी कंप्लीट कर दिए हैं। आगे चलकर गाइज़र हम लोग को पीठ के साथ मुकाबला भी करना है, तो वहाँ पर भी गाइज़र यही सारे के सारे जो है वो कह सकते हो कि डायलॉग्स आने वाले हैं, तो वही मैं सब रिपीट कर दूंगा फिर से। तो विदाउट ओके स्वेलो, नहीं यार अभी तो मुझे कोई भी पोकेमोन नहीं चाहिए अगर देखा जाए तो। बस हमें जो है गाइस यार यहाँ पर अभी अपनी मेन स्टोरी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर अभी हम लोग को ओके तो यहाँ पर अभी चांसेस भी मिल चुकी है, तो चलो ये अच्छी बात हो गई। एंड ये रहा पीट, तो यहाँ पर जो है गाइस यार आप लोगों का मेन बैटल होने वाला है, जैसा कि हमारा वो पीट। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। एंड मुझे बचाने के लिए, मैं थक चुका हूँ तुमसे और तुम सब लोगों से। वेट व्हाट? तुम्हें देखो, तुम एक बड़े हीरो हो, हाँ तुम इस दुनिया के रक्षक हो, तुम कोई स्पेशल नहीं हो पीट। बट ये सब आका से रहा है, सब लोग कहते हैं फेल्स टाउन में तुम्हारी तरफ देखो, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और मैं सबसे पहले पोकेमोन का दोस्त बना था तुम सब लोगों से पहले। तुम और जैक, तुम दोनों ने ही इस दुनिया को एक बड़ी मिसाल दे दी है, बट मैंने नहीं, वो तो मेरे बारे में सोचते भी नहीं है। पीट तुम ऐसा फील करते हो? मैं नहीं बिलीव करता ये। डारोगिस तुम्हें कंट्रोल कर रहा है सच में? उससे लड़ो पीट। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ध्रुव, ये मैं हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाने के लिए तैयार हूँ कि ये जो मेरी सच पावर है, डारोगिस ने मुझे अंदर से जगाई है। ओके मेरी ट्रू पोटेंशियल तुमसे काफी ज्यादा बेहतर है। यार पीट तुम्हें हो क्या गया है यार? ऑल राइट हियर वी गो, ध्रुव द गेमर वर्सेस द डारोगिस पीट, डारोगिस होस्ट
स्पिरिट। तो गाइस यार यहाँ पर उसकी शुरुआत की है आर एच ऑप्स एंड रायचू। तो मैं सबसे पहले तो उसके आर एच ऑप्स को जो है वो थंडर पंच दे दूंगा एंड अर्थक्वेक के साथ जाता हूँ ताकि ओ तो पीक चुके राइटरिंग राइट चुके राइटलिंग रॉड ने यहाँ पर अटैक सह लिया एंड यहाँ पर अभी हम अर्थक्वेक भी दे देते हैं। और आर एच ऑप्स को तो कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा एंड ना ही हमारे फ्लेम को, बट आई होप सो कि रायचू डाउन हो जाए। यस दैट्स इट। तो रायचू जो है गाइस यहाँ पर अभी डाउन हो चुका है, सो देखते हैं। ऑल राइट यस, मुझे पता था आर एच ऑप्स को कुछ भी होगा नहीं क्योंकि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है ऑल दो। ओके तो चैम जा चुका ही है अपनी लेवल 70 पर। फाइनली पोकेमॉन है गाइजर अपनी इस टीम की जो लेवल 70 तक टच हो पाई है। हैट्स ऑफ टू दी ओ, तो उसने स्टोरेज दे दिया एंड हमारे फ्लेम जो है ऑलमोस्ट डाउन, ऑलमोस्ट नहीं यार पूरा का पूरा डाउन ही हो चुका है अपना फ्लेम। बट कोई बात नहीं गाइज यार, यहाँ पर ना मैं लेकर आ जाता हूँ अपने बोल्ट को। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं अभी बोल्ट को लेकर आ जाता हूँ। तो फिर से आ जाते हैं गाइज यार यहाँ पर अभी एक थंडर एंड अर्थक्वेक। अरे शिट यार, मैंने गाइज यार थोड़ी सी ना बाय मिस्टेकली गलती कर दी। मुझे आप लोगों को दिखाना था कि मेरा बोल्ट कितना स्ट्रांग है। वैसे तो उसने यहाँ पर अपने आर एच ऑप्स को तो डाउन कर दिया है, बट मुझसे बड़ी गलती क्या हो गई पता है? मैंने ना यहाँ पे गाइज अर्थक्वेक दे दिया है जो कि हिट होगा बोल्ट को भी। मैंने सोचा भी नहीं यार, मुझे लगा कि अपना अभी तक फ्लेम ही है, तो यहाँ पर बोल्ट जो डाउन हो चुका है। सॉरी यार बोल्ट, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई एंड साथ ही साथ यहाँ पे गाइज यार एलेकजार भी डाउन हो चुका है। बट ये मूव जो है वो एग्जैक्टली को भी हिट करेगा, सो दैट्स इट। तो ये मूव इस्तेमाल करना इतना भी बुरा नहीं था ताकि गाइज यार, क्योंकि यहाँ पे अभी अपने बोल्ट की तो जान चली गई बट साथ ही साथ उसके दो पोकेमोन्स की मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया है। तो मेटा जा चुका है लेवल 67 पे एंड नेक्स्ट अपना मैं किसको लेकर जाता हूँ? अपने ब्लेड को। तो क्योंकि गाइज यार यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है ना ब्लेड के साथ भी बैटल करे हुए, तो उसके लास्ट दो पोकेमोन हैं जो हैं वो आ चुके हैं जो कि है फ्लाइगॉन एंड द स्क्राफ्टी। तो यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ गाइज, पहले तो फ्लाइगॉन को टारगेट बना देता हूँ क्योंकि अगर फ्लाइगॉन अगर को मैंने डाउन कर दिया ना फ्लाइगॉन को, तो फिर जो बैटल है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अगर मैंने फर्स्टली ही यहाँ पे अभी फ्लाइगॉन को डाउन कर दिया तो ड्रैगन पल्स दे दिया है मैंने फ्लाइगॉन को, बट लेट्स चेक इट आउट। अरे यार क्या बज गया रे, तो ये फिर से जो है वो इधर हीलिंग के लिए चले ही जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी ड्रेन पंच तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो नहीं रहा है ना, तो ड्रैगन पल्स दे देते हैं यहाँ पे एंड दोनों के साथ ना ड्रैगन पल्स के साथ आते हैं। यस मुझे पता था कि हीलिंग के साथ ही जाएगा, तो अभी दो दो में यहाँ पे दे दूंगा उसे हिट। ओके एक और ड्रैगन पल्स एंड दैट्स इट। तो फ्लाइगॉन को तो गाइस यार यहाँ पर इस बैटल से हम लोगों ने आउट कर दिया है, बट अभी मेनली हमें स्क्राफ्टी को ही फोकस करना होगा। तो इस बार मैं जाता हूँ लीफ ब्लेड एंड देन दी ड्रैगन पल्स। यस लीफ ब्लेड प्लस ड्रैगन पल्स दैट्स इट। जी हाँ गाइस यार यहाँ पर हम लोगों ने स्क्राफ्टी को भी हरा के इस बैटल को जो है गाइस यार जीत लिया है। बट मैं आप लोगों को बता दूँ, ड्रो पेट क्या तुम ठीक हो, मुझसे बात करो। ओके 11,400 हमारी अर्निंग हुई, पीट काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ था कमाई हुआ लगा गया। मैं ठीक हूँ शुक्रिया थ्रू, बट तुम्हें हो क्या गया था, क्या तुम्हें डार्गिस कंट्रोल कर रहा था? वेल मुझे पता नहीं, मैंने ये रूपी फाइंड किया था अंडरग्राउंड सिटी से, जो कि इस मुझे इसके बारे मेरे डैड को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग बुरी फीलिंग आ रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे लेके जाऊं और एग्जामिन करूं। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि मैं कितना हेल्पफुल हूं एज वेल एज मैं पता करना चाहता था कि ये क्या है। ओके बट जब मैं रास्ते में जा रहा था मेरे अपने डैड को देखने के लिए, तब कुछ थॉग्स ने मुझे चेस किया और एक बड़ा स्केरी मैन आ गया जिसके पास स्वॉर्ड थी और उसने रूबी मुझसे छीन लिया। ओके उसने मुझे दबोचा और फिर एक अम्ब्रेला लेकर एक औरत आई और वो मेरे पास आके उसने मुझे कुछ तो हिप्नोटाइज कर दिया। उसने मेरा सिर टच किया और उन्होंने मुझे तुम्हें हर्ट करने के लिए कहा। पीट तुम हमारे साथ चलो और हम सब डार्गिस को हराएंगे। सच में? यस अभी मैं तुम्हें किसी भी बच्चे की तरह नहीं ट्रीट करने वाला हूँ। तुम मैं सिडनी जैक ड्रे और फ्लोरिना हम सब मिलके हराएंगे डारोगिस को। वेल मैं उन सबको तो नहीं जानता, बट हाँ मैं ज़रूर मदद करूँगा। ऑसम तो मैं अभी जा रहा हूँ आगे की तरफ, मैं तुम्हें मिलूँगा सीधा अपनी जर्नी में, मुझे निराश मत करना।
ऑल राइट, तो फाइनली हमारी जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू हो चुकी है। बट गाइज यार, आप लोग हीलिंग करने आ चुके हो ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा सावधानी से आना, क्योंकि गाइज यार ये पीट ना हम लोगों से काफ़ी बार बैटल करेगा, जैसे कि अभी। बट मैंने सेव कर लिया था ना, अच्छा इसीलिए जो है मैं बच गया। तो गाइज यार मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो हमारी सेव फाइल्स इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोगों ने तो अभी तक नोटिस किया ही होगा, कल वाले एपिसोड में भी मैंने दे दी थी। वो एक अलग टाइप की लिंक है, वो आप लोग को क्लिक करके जो है वो आपको बाद में उसके बाद ड्राइव फाइल मिल जाएगी। बट उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आएगी संडे को। तो देखते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन भी करनी है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ यहाँ से सीधा स्ट्रेट पैथ पर, बट मैं यहाँ पे गाइस यार रुकने नहीं वाला हूँ। यस, आपको तो पता ही है मुझे जो है वो जाना है अपनी नेक्स्ट सिटी में, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी अपने इस रीजन का 5th जिम बैच भी हासिल करना है। क्योंकि गाइस यार बस एक ही जिम बैच हम लोग अब तक अर्न कर चुके हैं, तो मुझे एक और जिम बैच की जो है वो ज़रूरत होगी इस हफ्ते के लिए। दो दो जिम बैचेस का भी अगर मैं टारगेट रखूँ ना तो भी चलेगा मुझे, क्योंकि अगर एक और जिम बैच आ गया हमारे लिए हमारे इस बैच सेक्शन में, तो इस वीक का जो है वो थोड़ा सा कह सकते हो कि वर्थ इट रहेगा। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है ही सारे के सारे एपिसोड्स, बट फिर भी मुझे एक और जिम बैच अर्न करना है आगे की तरफ जाने से पहले। तो इसीलिए जो है गाइस यार यहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी मैं जा रहा हूँ। सो लेट्स गो गाइस यार, यहाँ पर अभी हम यहाँ से मैं रुकने नहीं वाला हूँ, सीधा एक बार यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ नीचे की तरफ अगर कुछ है तो, बट मुझे लग तो नहीं रहा है। तो क्या करते हैं ना गाइस यार, इस वीडियो को जो है वो यहीं पर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हम लोग गाइस यार फाइनली आ चुके हैं इन दी नोवेला टाउन। यस, नोवेला टाउन में हमारा इस रीजन का 5th जिम बैच भी अर्न होने वाला है। तो उसके लिए ज़रा आप लोगों को कल का वेट करना होगा, एंड साथ ही साथ आप लोग अब तक हमारी जो सेव फाइल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने लिंक जो है वो दे रखी है आज की सेव फाइल के लिए भी। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ गाइस यार सीधा नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन डार्क राइजिंग वर्जन। तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।